हम थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लें, अगर मिसाल के तौर पे अगर थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लें क्या बिगड़ेगा हमारा? माफ़ करने और माफ़ी मांगने से किसी की इज्जत कम थोड़ी होती है, क्या बिगड़ेगा हमारा? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। थोड़ी सी तकलीफ है, ये मौत का पता नहीं है हमें कि कब मौत आ जाएगी, मौत कब ख़त्म हो, कब चली, कब मौत। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि बहादुर कौन है। देखें कि चाहे बहन भाई है और चाहे माँ बाप है, बहादुर एक वो होता है ना जो कब्रिस्तान में आधी रात में चला जाए, वो वाला बहादुर नहीं। बहादुर ये कि जो अपने रिश्तों के अंदर रह के बहादुर बना दिखाए, अपना के बहादुर बन के दिखाए अपने रिश्ते के अंदर रह के। देखें कि माँ बाप हों चाहे बहन भाई हों, चाहे कोई भी ऐसा रिश्ता हो जिसे आप क्लोज़ फ्रेंड, चाहे बहुत अच्छा क्लोज़ फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक होता है, ज़रूर होता है, ज़रूर हमें बाज़ अवकात हम पहचान लेते हैं, बाज़ अवकात पहचाना नहीं जाता। तो जब पहचान लेते हैं तो फिर उसकी बाद में, क्योंकि हम जब नाकदरी कर लेते हैं, बाज़ अवकात ऐसा होता है कि जब उसकी नाकदरी कर लेते हैं तब उसकी हमें पहचान होती है कि यार नहीं वो सही था। और माँ बाप जो होते हैं कभी भी अपनी औलाद के बारे में बुरा नहीं सोचते और ना बुरा सोच सकते हैं, क्योंकि अपने पेट की जनी हुई औलाद होती है जो के माँ बाप के सामने बदतमीज़ी करती है। और अपनी बीवी, अपनी बच्चियाँ, अपने बेटे बेटियाँ, अपने औलाद हो, रिश्तेदार हो, जैसे भी हो, ख़ास तौर पे आपके साथ सबसे मुखलिस पता कौन होता है? या तो आपके माँ बाप एक ही मुखलिस, या अल्लाह, ये दो बहुत ज़्यादा मुखलिस होते हैं। बहन भाई भी बहुत ज़्यादा मुखलिस होते हैं आपके साथ, बाकी सब लोग भी होंगे। पर देखिए, आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे ना, 100% आप बिल्कुल सही है कि हाँ यार मेरे में कोई ऐप नहीं है भी किसी भी किस्म का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी से कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पर देखें, आप बिल्कुल अपनी तरफ, अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट भी है ना, फिर भी आपको लोग अच्छा कहने वाले भी होंगे, बुरा कहने वाले भी होंगे। तो बहादुर बंदा वो नहीं है कि जो गलतियों पर इंसान को छोड़ दे, बहादुर वो है जो गलतियों को सुलझा के साथ रहना सीखे। किस तरह साथ रहा जाता है, किस तरह साथ निभाया जाता है, हम लोग किस तरह एक दूसरे के साथ ऐसा रहें कि हमें अलग ही ना होना पड़े, बहादुर इसे कहते हैं। क्योंकि रिश्ते जब एक दफ़ा चले जाते हैं ना तो दोबारा बहुत मुश्किल मिलते हैं, बहुत मुश्किल जुड़ते हैं। रिश्तेदारी एक बहुत प्यारी चीज़ है और सबके साथ अच्छे है। देखें, हम थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लें, अगर मिसाल के तौर पर अगर थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लें क्या बिगड़ेगा हमारा? माफ़ करने और माफ़ी मांगने से किसी की इज्जत कम थोड़ी होती है, क्या बिगड़ेगा हमारा? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। थोड़ी सी तकलीफ है, ये मौत का पता नहीं है हमें कि कब मौत आ जाएगी, मौत कब ख़त्म हो, कब चली, कब मौत आ जाएगी, कब हम फना हो जाएंगे इस दुनिया से। क्या किसी की, कुछ किसी का बोझ अपने दिल में रख के कोई फ़ायदा नहीं, और ना किसी को कुछ कह के कोई फ़ायदा है, किसी का दिल दुखा के कोई फ़ायदा है। आप खुद सोचें, ज़िंदगी का पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे तो हमारा काम आसान ही आसान। बहादुर वो है जो गलतियों को सुलझा के इंसानों के अंदर मिलना जुलना सीखे और मुनाफ़त बिल्कुल भी ना हो, मुनाफिक बन के नहीं, दोस्त बन के, हमदर्द बन के उसके साथ रखे। बहादुर वो है, मर्द कभी भी बुज़दिल नहीं होता, हम सब बहादुर हैं, मर्द कभी भी बुज़दिल नहीं होता। अक्सर क्योंकि मैंने मर्दों की बात इसलिए की क्योंकि मर्द जो है ना एक ऐसी हस्ती है अल्लाह की जिसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, जज्बातीपन भी बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है, और औरत के अंदर जो सी होती है वो रूठना बहुत जल्दी आ जाता है, वो नाराज़ बहुत जल्दी हो जाती है, रूठ बहुत जल्दी जाती है। और मर्द जो है अपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो इसलिए बहादुर बने, रिश्ते तोड़े नहीं जोड़े। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हमें सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।